हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को लाइट मैप की मदद से कुछ इस तरीके का एडिटिंग सिखाऊंगा, जैसे कि मेरे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। ऐसा एडिटिंग करना बहुत ही इजी है गाइस। मैं आप लोगों को लाइट मैप की मदद से ऐसा एडिटिंग करके दिखाऊंगा एंड फोटो के अंदर जो बैकग्राउंड है आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड के अंदर जो है फुल्ली ब्लर है एंड प्रोफेशनल एडिटर जैसा लग रहा है फोटो। ऐसा एडिटिंग आप लोग अपने स्मार्टफोन में कर सकते हैं। सो जानने के लिए इस वीडियो को फुल्ली देखो एंड मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इस तरीके का एडिटिंग। गाइस, इस चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले नॉर्मल फोटो को ओपन कर लीजिए लाइट मैप के अंदर। ओपन करने के बाद इस फोटो का जो बैकग्राउंड का कलर है ब्राउन कलर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को ऑटो ब्लर करके दिखाऊंगा। सो गाइस, वीडियो को फुल्ली देखो, स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लाइट वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद हाईलाइट को माइनस की तरफ शेडो को फुल्ली हाई कर दीजिए। हाई करने के बाद गाइस कलर वाले ऑप्शन के अंदर टैप करिए। टैप करने के बाद मिक्स वाले टूल और यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ और सेचुरेशन को फुल्ली हाई कर देना है। हाई करने के बाद जो यहाँ पर फेस का कलर है ऑरेंज, इसको सिलेक्ट करने के बाद सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस की तरफ और लेमिनेशन को हाई कर देना है। हाई करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, सिंपली डन पर टैप कर देना है और एक बार फोटो को कर लेना है सेव। गाइस, एक बार फोटो को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इस फोटो को डिलीट करके जिस फोटो को अभी अभी सेव किया उसको फिर से आप लोगों को इनपुट कर लेना है लाइट मैप के अंदर। जैसे कि यहाँ पर मैं बैग आ जाता हूँ और यहाँ से गाइस मैं इस फोटो को डिलीट कर देता हूँ। पहले ये दो फोटो को डिलीट कर दिया मैं। डिलीट करने के बाद जिस फोटो को यहाँ पर अभी अभी सेव किया उसको यहाँ पर इनपुट कर लूँगा फिर से मैं लाइट मैप के अंदर। इनपुट हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को डायरेक्ट कलर वाले ऑप्शन के अंदर चला जाना है। यहाँ पर मिक्स वाले टूल, गाइस यहाँ पर मिक्स वाले टूल और कलर वाले ऑप्शन, यहाँ पर येलो कलर को सिलेक्ट कीजिए। सेचुरेशन को कुछ नहीं करना है और ह्यू को माइनस की तरफ कर देना है। सेचुरेशन को भी माइनस की तरफ कर दीजिए। माइनस की तरफ करने के बाद आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड का जो कलर है चेंज हो गया एंड कुछ उस तरीके का कलर आ गया बैकग्राउंड के अंदर। उसके बाद आप लोगों को डन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्हाइट बैलेंस, व्हाइट बैलेंस को जो दो नंबर वाले ऑप्शन है ना इसको माइनस की तरफ कर देना है आप लोगों को, और जो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन है इसको प्लस की तरफ कर देना है थोड़ा सा, ठीक है। करने के बाद जो कलर आएगा कुछ इस तरीके का, और उसके बाद यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी को हाई कर देना है और वाइब्रेंट को थोड़ा सा माइनस की तरफ, और उसके बाद फ़ोटो को सेव कर लेना है। गाइस, फ़ोटो सेव हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ब्लर देना है बैकग्राउंड के अंदर। ब्लर कैसे दे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा इस वीडियो पर। वीडियो को फुल्ली देखना, फ़ोटो सेव हो जाने दो। गाइस, फ़ोटो सेव हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को एक न्यू एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है आफ्टर फोकस प्रो। एपीके का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगा आप लोगों को। गाइस, आफ्टर फोकस प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आप लोगों को एल्बम पे ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद जिस फोटो को सेव किया था उसको इनपुट कर लीजिए। मैं इनपुट कर लिया। इनपुट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस, मॉडल के अंदर आप लोगों को व्हाइट पेन करना है। मॉडल के अंदर आप लोगों को व्हाइट पेन करना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। गाइस, इस तरीके से आप लोग व्हाइट पेन कर दीजिए मॉडल के अंदर। उसके बाद आप लोगों को मैं दूसरा स्टेप बताऊंगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मॉडल के अंदर व्हाइट पेन करिए पहले। व्हाइट पेन करने के बाद कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है, जो थर्ड नंबर वाले ऑप्शन है ना इसके अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस आप लोगों को बैकग्राउंड के अंदर कुछ इस तरीके से देना है, ठीक है। देने के बाद अपना जो मॉडल है कुछ इस तरीके का हो जाएगा एंड बहुत ही अच्छा लगेगा गाइस। गाइस, यहाँ से आप लोगों को जहाँ जहाँ पर छोड़ दिया है वहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। पहला वाले ब्रश को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर जूम आउट करके जो मिडिल में है इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इरेज करने के बाद यहाँ पर छोड़ दिया है। इससे भी मैं अच्छे तरीके से पकड़ लेता हूँ कुछ इस तरीके से। पकड़ने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, जो नेक्स्ट वाले ऑप्शन है ना इसके अंदर टैप करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर टैप करने के बाद आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर ब्लर हो चुका है, और उसके बाद आप लोगों को ब्लर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ से आप लोगों को फुल्ली ब्लर कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है फोटो। और उसके बाद गाइस आप लोग नीचे देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर नीचे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, नीचे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर
अच्छा नहीं लग रहा है। सो इसको एडजस्ट करने के लिए आप लोगों को इस वाला ऑप्शन के अंदर टैप करना है। सबसे पहले तो फेदर को हाई कर दीजिए और उसके बाद आप लोग इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करिए, ठीक है। टैप करने के बाद लास्ट में जो ऑप्शन है मेनू वाला, इसके अंदर टैप करना है और गाइस नीचे कुछ इस तरीके से देना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैं दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, देने के बाद आप लोगों को राइट वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, फोटो एंड रियल ब्लर जैसा लग रहा है। उसके बाद गाइस आप लोगों का जो एडिटिंग है कंप्लीट हो चुका है एंड आप लोग इसे फुल एचडी में सेव कर सकते हो। अगर आप लोग फुल एचडी में सेव करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है और सेटिंग और मैक्सिमम साइज यहाँ पर ओरिजिनल पर टैप करके आप लोगों को बैक चलाना है और यहाँ से सेव बटन पर टैप कर देना है, सेव हो जाएगा। गाइस अगर आपका एपीके प्रो नहीं है यानी प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड किया है तो एचडी में फ़ोटो सेव नहीं होगा, तो प्लीज़ मेरे लिंक से डाउनलोड करिए, उसके बाद अपना जो फ़ोटो है फुल एचडी में सेव करिए। सो आज के लिए तो इतना ही था, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।